नमस्कार दोस्तों, द एवरीडे कंज्यूमर में आपका स्वागत है और आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं FND फेंडा का W3 ब्लूटूथ स्पीकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये है फेंडा W3 का बॉक्स या FND W3 का बॉक्स। तो इस पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं, ब्लूटूथ 4.1, TF कार्ड, प्ले म्यूजिक, लिथियम आयन बैटरी और मल्टी कलर्ड LED। और इसका जो मॉडल नंबर है वो W3 है। अब देख लेते हैं इसकी बैक साइड पे कुछ और डिटेल्स दी गई हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये दो कलर वेरियंट्स में आता है, ब्लैक और ब्लू। और इसके अलावा कुछ फीचर्स दिए गए हैं पीछे, आप देख सकते हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो बता देता हूँ। इस स्पीकर की फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 80 Hz टू 20 kHz और इसकी इम्पीडेंस है 4 ohms। और इसके अलावा इसकी कॉन्फ़िगरेशन है मोनो चैनल और ये आता है ब्लूटूथ 4.1 के साथ। तो ये थी इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। और ये USB चार्जेबल है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। इस स्पीकर के लिए मैंने पे किए हैं ₹570 और इसका जो ओरिजिनल प्राइस था वो था ₹990। और अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों के, वहाँ जाके आप ख़रीद सकते हैं। तो अब फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो बॉक्स को मैंने कर दिया अनबॉक्स और बॉक्स में सबसे पहले हमें मिलता है ब्लूटूथ स्पीकर। तो इस स्पीकर का मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। सामने की तरफ आप देख सकते हैं फेंडा की ब्रांडिंग है, FND लिखा हुआ है। पीछे की तरफ फिर से फेंडा की ब्रांडिंग दी गई है और कुछ बटन्स दिए गए हैं, ऑन ऑफ, ब्लूटूथ पेयरिंग, पॉज प्ले, वॉल्यूम रॉकर्स और LED लाइट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए भी बटन्स दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इसकी LED को बंद भी कर सकते हैं और चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं या उसको ऑटो पे छोड़ सकते हैं, कलर अपने आप चेंज होते रहेंगे। इसके अलावा ऊपर की तरफ इसमें मेटालिक स्पीकर ग्रिल है और पॉलीगोनल डिज़ाइन के साथ ये आता है। और ये जो पॉलीगोनल डिज़ाइन है ये बना हुआ है पॉलीकार्बोनेट का, प्लास्टिक का। जो पॉलीकार्बोनेट है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी हार्ड है। स्पीकर की साइड में हमें मिल जाते हैं दो पोर्ट्स, एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है और दूसरा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है या TF कार्ड स्लॉट है। और उसके साथ साथ नीचे हमें मिल जाता है एक माइक जिससे हम कॉल्स को रिसीव कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं बॉक्स में हमें इसके अलावा और क्या मिलता है। इसके अलावा बॉक्स में हमें एक मैनुअल मिलता है जिसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बताने ही वाला हूँ कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। और हमें मिलती है एक माइक्रो USB केबल इसको चार्ज करने के लिए। अब कर लेते हैं स्पीकर को ऑन और कर लेते हैं पेयर अपने फोन से और उसके बाद इसमें चलाएंगे कुछ सॉन्ग्स और म्यूजिक। तो स्पीकर ऑन हो गया है और LED लाइट्स इसमें जलने लग गई हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में और LED लाइट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो अब कर लेते हैं इसको पेयर अपने फ़ोन के साथ और चलाते हैं इसमें कुछ गाने, इसकी साउंड आउटपुट चेक करने के लिए और इसकी साउंड क्वालिटी चेक करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इसको करते हैं पेयर और चलाते हैं इसमें सॉन्ग्स। गाइस अब चेक करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। तो अब मैं ऑन करता हूँ इसमें म्यूज़िक। Yeah.
मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप ये स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़ दिए हैं, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार। Yeah.